सर आज जी मीटिंग थी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ डिसीजन के कुछ कुछ हुए हैं? आज हमारे विभाग की शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग थी जिसमें हमारे CPS एजुकेशन आशीष बुटेल जी उपस्थित थे, सेक्रेटरी एजुकेशन अभिषेक जैन जी, हमारे तीनों HODs। इसमें विस्तार से मैं समझता हूँ अपने विभाग को कैसे और आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट हो सके, सुधार हो सके, उसके बारे में सार्थक विचार विमर्श हुआ और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से मैं समझता हूँ इन ओर कार्य किया जाएगा। और आज हमारी प्रथम बैठक थी और इसके उपरांत सारे कार्य अमली जामा इनको पहनाया जाएगा। कुछ एक पॉइंट्स जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, चाहे भर्तियों को लेकर या जी क्वालिटी को लेकर, एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर, जिसको लेकर आपने गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारे काफ़ी समय से जो आपके बैच वाइज की अपॉइंटमेंट्स थी, जो प्रमोशन के केसेस थे, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये पोस्ट फिलअप हो, क्योंकि वर्तमान में ही लगभग कोई 12,000 के आसपास आपकी रिक्तियां आपके दोनों विभागों में, चाहे आप हायर एजुकेशन की बात करें चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग कोई 12,000 पोस्टें खाली है और इनको मैं समझता हूँ स्तर पर भरा जाए ताकि इसका फायदा हमारे बच्चों को हो सके। ये हमारा प्रयास है और इसको हम टाइम बाउंड मैनर में जो बैच वाइज और आपकी जो प्रमोशन के केसेस है जो कोर्ट में लंबित नहीं है, इसको मैं समझता हूँ महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर, 1 अप्रैल 2022 के बाद जो शिक्षण संस्थान खुले थे, क्या उन पर भी कोई फैसला आज हुआ है? ये अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन सारा मामला हम कैबिनेट में ले जाएंगे। इसमें भी कैटेगरीज है, जैसे आपने शिक्षण संस्थानों की बात की, कई ऐसे शिक्षक संस्थान थे जो चुनाव से प्रेरित आपके खोले गए थे, उसकी अलग अलग कैटेगरीज की गई, कहीं पर बच्चे आपके नाम मात्र है या है ही नहीं, कहीं आपके मैं समझता हूँ बच्चे नाम मात्र है और अभी आपके स्कूल फंक्शनल नहीं हो पाए, इन सभी बातों को लेकर हम मामला कैबिनेट में ले जाएंगे और गुण दोष के आधार पर इसका निर्णय लेंगे। सारी बातें, चाहे असर की रिपोर्ट और भी जो मैं समझता हूँ चुनौतियाँ शिक्षा विभाग के समक्ष है, उस पर चर्चा हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इसमें सुधार आए और उसके लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। सर, सरप्लस स्टाफ को लेकर भी क्या स्कूलों में कोई कदम अभी आने वाले समय? बिल्कुल, युक्तिकरण रैशनलाइजेशन भी एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से जो हमारी बहुत से विशेषकर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ पर पद भर जाए, ये भी हमारे विचाराधीन है और इसके बारे में हम शीघ्र फैसला लेंगे। धन्यवाद। ठंडा नहीं, ठंडा खाना ठीक रहे।